गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मछली बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे मामा मामी आ रहे हैं और उनको पसंद बहुत है मछली, तो इसलिए मछली मंगाई हूँ, बचवा मछली। तो अब चलते हैं, उसको धोते हैं, हल्दी लगा के फ्रिज में डाल देते हैं, जब वो लोग आएंगे तो उस समय फ्राई करेंगे। सब लोग आ गया, ये पापा आ गए, ये राजू है, ये बहन है, इसको तो पहचानते ही होंगे कौन सा फिंगर है। और ये देखिए मामी आए, ये मामा है, बैठे हुए हम बैंड बाजा ये बैंड बाजा है बैंड ये देखिए इसको इधर कर दे दीदी, इसको इधर कर दे, टूटेगा तुम्हारा, इधर दे, अब फिलहाल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। ये देखिए मछली फ्राई कर रहे हैं, मामा बैठे हुए खाना खाने के लिए, बस निकालूंगी और उनको जाके दूंगी। ये देखिए मछली सब खाना स्टार्ट कर दिया है, कैसा बना मामा? है कौन मछली है, पहचान रहे हैं? वही जो वही बनाया था, राजू सोन बचवा, यही लगे क्या कि मामा को अच्छा लगा था वो मछली भाई? अच्छा लगा, अच्छा लग रहा ना, एक ही काटा की वजह से अच्छा रहता, नहीं दिक्कत नहीं होता खाने में। बैंड बाजा आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। इनको ऐसे अब मछली आपको तो नहीं पसंद है, फिर टमाटर भी तो बेटा टमाटर ये खा ले रहे हैं। ये देखिए ये खाना खिला रही है एकदम जोर शोर से। क्यों पलक, पीहू पीहू खाना खिला रही हो? हाँ। अच्छा चलो, और नमक है ना बेटा? हाँ, नमक है। अच्छा कम होगा तो उधर से ले आके दूसरा डब्बा रख देना। चावल भी हो गया है, बंद कर दूँ? नहीं नहीं बंद क्यों करूँगी, बंद नहीं करेंगी तो अभी सीट में है, खाली देख के नहीं खाए, एक पीस खाए ना, दिखा के रख ली, नहीं नहीं एक पीस खाए हैं, दिखा के रख ली, बढ़िया है ना जी, खा के देखेंगे तब ना पता चलेगा कि बढ़िया है। इससे पहले वाला खाए थे, अच्छा है ना? बचवा मछली अच्छा होता ही है, मामा को ये मछली बहुत पसंद है, इसमें काटा भी नहीं रहता, काटा भी नहीं रहता, आराम से खा। सोन बचवा, सोन बचवा। हाँ, मामा को फिर परवल का चोखा बहुत पसंद है, दाल चावल परवल का चोखा। ये भी सब अलग कर दियो क्या? नहीं नहीं, ये टूट गया, नहीं नहीं ये यहाँ से कम थोड़ा, ये पूरा काट दिया था ज्यादा ना, तो हम ऐसे निकाला है, कटा भी था, आंख निकाला ज्यादा कटा था, उस दिन हमने बनाया था घर पे, तो सब मुंडे टूट गया था। उसको कितनी बार उठाएंगे, हमने से आप सीटी लगने नहीं देंगे उसमें, तीन बार उसको उठाएंगे तो मैं जबकि उससे सीटी लगवा रही है। आम कैसे दिया जी, अभी क्या मैंने कहा देखो इस 100 रुपए किलो दिया है, करीब किलो है, 100 रुपए किलो दिया है, अभी हम देखो कैसे है, हम लोग आए बोले कि सारी चीज है क्या कैसे जी कैसा है, बहुत देखो कि तब खाने में जैसा भी लेकिन देखने में तो अच्छा आम है ना भाई, आम तो अच्छा है, तो वही तो बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो आप नहीं सब यही चुन के लिए आम के बारे में कोई आइडिया? अभी खाएंगे, दुई गो सोफा ना है, कुर्सिया है ना जो उसके बैठे, अरे जो ब्लैक ब्लैक अंदर चाहिए है ना वो तो बैठे हुए इधर साइड से डाल दीजिए, वो तो डाइनिंग रूम के लिए है, छपना है हम चाहिए, ये हो गया बड़ा कुकर है ना, इसके हाँ, सीमा हरा मिर्चा दो मामा को, हाँ ला रहे हैं, मामा को हरा मिर्चा पसंद है, फ्रिज में डोर साइड रखा हुआ है धो के, क्या मामा होटलवा से आए थे ना जी, अच्छा पापा कुछ चाहिए है सलाद पापा का? चलाइए नींबू लेंगे, नींबू नींबू हाँ, बैंगन होगा दे दो,
बाल बाल सब टेस्ट होता है। मिर्ची मामा को आपको होटल वाला कर लेना है। होटल वाला देना ही चाहिए। नहीं होटल वाला छोड़ दिए थे मामा। मिर्ची लगी ये पटेल जी लेके आए हैं। नमक दो बेटा। ये देखिए इधर महफिल बैठी है। ये आ गई है लिटिल फिंगर आ गई। हम अपने शॉप का मार्केटिंग करने गए थे। हरा चूड़ी जो लेके आ चुके कुछ देर बाद यहाँ खोलेंगे और सबको पहनाएंगे। अच्छा। और देखिए कुछ देर बाद जब हम खाना वाना खा लेंगे जब खाली हो जाएंगे तो ये कल का गिफ्ट खुलेगा। गिफ्ट खुलेगा अनब्लॉक क्या होगा। हाँ। अनबॉक्सिंग होगा। अनबॉक्सिंग दीदी बनाइए मछली कल कल भी खाना नहीं अब होगा। नहीं अभी एक दो दिन और खाना है। कल खा लो। 13 तारीख क्या करिएगा मम्मी। ना ठीक है नाक टूट जाएगा। ये नहीं खाती है ना तो बहुत चिढ़ती है। हम लोग खाते हैं तो कभी नाके टूट जाए मारम तो। ये मम्मी खाती थी लेकिन आज कोई शायद दिन है एकादशी या कुछ है इस वजह से नहीं खा रही है। हाँ इस वजह से। हाँ इसलिए लोगों नहीं है। ये देखिए पूरा इधर दौड़ के पानी पिलाती है। बेटा हमको भी पानी दे दो। थैंक यू पीहू पानी देने के लिए। ये लवली वाला रूम है। लवली वाला ना। हाँ उधर रोहित का। हाँ उधर वाला का। नहीं ये इसमें हम सो जाते हैं। आप तुम्हारी जो इच्छा हो। चलिए मामी लोग आई। बहुत दिन पे आई है मामी लोग। लगता है 7-8 साल हो गया होगा ना मामी। आपको यहाँ आए हो 7-8 साल से बड़ी हो गया होगा ना। और नाना का ऑपरेशन था तभी आई है जब नाना एडमिट थे हॉस्पिटल में। नाना यहाँ सन्नम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे। हाँ तब का आई हुई है मामी। ये देखिए पूरा आम पे टूट पड़ी है। क्या जी कैसा लग रहा आम। बहुत अच्छा। फलों का राजा है आम। सभी को प्रिय है ना। सबको प्रिय है। अच्छा इसमें इसमें निकल जाए तो फिर परीक्षा देना पड़ेगा। नहीं तो दादा लोग खाए तो एक एग्जाम और रहेगा। एक जे मेंस हो गया ना तब एडवांस देगा। अगर इसमें पास कर गया तो IIT में जाएगा। हाँ तब वही रैंक के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा। इसमें जो बच्चा पास नहीं करेगा ना तब एडवांस में पहुँचेगा ही नहीं। सभी लोग चले गए। मम्मी पापा मामा मामी सभी सिस्टर चली गई। तो मेरे नर्सरी में जो मुझे गिफ्ट मिला है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मम्मी ये साड़ी दी है और ये चूड़ी था उस पर और मेहंदी था ये चूड़ी ये मेहंदी और बिंदी था सिंदूर था और ये छोटी वाली पहन दी है फिंगर और इस और ये फोर्थ फिंगर बेडशीट दी है और ये छोटी वाली जो भतीजी थी वो दी है मम्मी से जिद करके कि नहीं मैं भी दूंगी बुआ को तो उसकी मम्मी ये खरीद के दी तो गिफ्ट करके मेरे को बहुत प्यार से दी है। और ये दो लिफाफा भी मिला है और ये एक परफ्यूम है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बाय बाय।